कुछ टाइम से एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज नहीं देख रहा था। रीजन बड़ा साफ सा, क्योंकि इतने टाइम से मैंने इतनी सारी चीजें देख ली थी कि यार अब इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था किसी चीज में भी। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कोई भी एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देख लूं, क्योंकि यार दिल में बड़ी एक अलग से स्पेशल जगह है एनिमे मूवीज या एनिमे सीरीज के लिए। जब तक इच्छा नहीं होती, जब तक मन नहीं करता, तब तक यार इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा जोसे द टाइगर एंड द फिश एनिमे मूवी के बारे में, जो 2020 में आई है। और ये जो मूवी है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट इसकी लेंथ है, और मैं काफी खुश हूं कि मैंने ये वाली मूवी देखी। और अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे क्या इस मूवी में अच्छा है और क्या इस मूवी में बुरा। जिस मूवी के अंदर दो मेन करेक्टर है, पहला जो करेक्टर है वो स्नेहो, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसके सपना ये होता है कि वो बाहर मैक्सिको में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। और इसके साथ साथ जो है वो पढ़ रहा होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा होता है, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है, पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी है बाहर जाने के लिए, ऑब्वियसली पैसे चाहिए होते हैं। तो वो बहुत मेहनत करता है, इसमें दिखाया गया कि बहुत मेहनती है, पढ़ाई पे बहुत फोकस करता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा करेक्टर दिखाया गया है वो एक लड़की है जिसका नाम होता है जोसे, इसका एक्चुअल नाम होता है कुमिको, लेकिन ये अपने आप को जोसे ही बुलवाना पसंद करती है। ये अपाहिज होती है, चल नहीं सकती, इसके ये जो अपनी दादी के साथ रहती है, और इसकी दादी ही इसको बाहर थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर इवनिंग वॉक के लिए इसको बाहर लेके जाती है। लेकिन इसका जो है वो बाहर जाने का सपना होता है जोसे का, कि ये बाहर जाके दुनिया को देखे, क्या चीजें हैं, समुंदर को देखे, वो सारी चीजें देखना चाहती है। लेकिन इसकी जो दादी है वो डरती है कि यार ये जो बाहर की दुनिया वो बहुत खराब है। और इसकी हालत भी ऐसी नहीं होती इसकी दादी की, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर है, बुजुर्ग है इसके अंदर, तो इसकी हालत भी ऐसी नहीं होती कि इसको बाहर ले जाया भी जा सके। तो जोसे की दादी जो इसको कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, जिसके करके जो जोसे का बिहेवियर है ऐसा बन जाता है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, बावजूद इसकी कि चाहती है कि बाहर जाए, बाहर घूमे, लेकिन इसकी दादी इसको जैसे कि मैंने कहा बाहर नहीं ले जा सकती अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण। तो बाय एक्सीडेंट जोसे और स्नेहो दोनों मिलते हैं, और स्नेहो को एक जॉब ऑफर की जाती है कि भैया तुम इसका ध्यान रखो, जो ये कह रही है इसका कहना मानो, लेकिन बाहर नहीं लेके जाना जब तक कि उसकी दादी उसको मतलब आज्ञा ना दे दे या फिर कोई उसको परमिशन ना दे, तब तक इसको बाहर नहीं लेके जाना होता। खैर अब मुझे बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का यूज करना है, क्योंकि यार ये जो मूवी है मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इसको देखे तो बिल्कुल एकदम ऐसे देखे कि यार हर एक सीन आप इसका एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको कुछ बता दिया हो जिससे आपको स्पॉइलर मिल गया और आपका इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं बन रहा हो। तो मुझे बड़ा सोच समझ के अपने शब्दों का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि यार स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, और वास्तव में ये मूवी डिजर्व करती है बिना स्पॉइलर के। तो बस इतना समझ लो जो इस मूवी की कहानी है, जिसके अंदर आपको जोसे का कॉन्फिडेंट, जैसे वो अपनी सिचुएशन से लड़ती है, इवन सुनेहो को वो कॉन्फिडेंट देती है, मोटिवेट करती है कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए। खैर मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं, मैं इतना समझा देता हूं कि मोटिवेट करती है सुनेहो को। और आपको इस मूवी के अंदर जो सबसे ज्यादा करेक्टर पसंद आएगा वो जोसे का ही पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी सिचुएशन को हैंडल किया है, उसका सामना किया है, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाला है एज कंपेयर टू स्नेहो। और जिस तरीके से इस लड़की ने अपने आप को बनाया है हर सिचुएशन से लड़ने के लिए और इवन दूसरों को भी मोटिवेट करने का, वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। डेफिनेटली ये मूवी आपको लाइफ का एक लेसन भी सिखाएगी कि हम अपनी लाइफ में कुछ करने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ हम ना चाहते हुए वो चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं जिससे हम गिव अप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा कि आप गिव अप ना करें, कैसे अपनी लाइफ में आप वापस आ सकते हैं। खैर वो चीजें मैं यहां नहीं बताने वाला हूं, जब आप ये मूवी देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और इस मूवी के एंडिंग तक आपकी आंखें 100% नम हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि कहीं तो इसको देखने के बाद रो भी पड़ेंगे। यार ये जैपनीज एनिमे के मेकर्स मानते ही नहीं है बिना रुलाए। और जिस तरीके से इस मूवी के अंदर जो जोसे का पेन दिखाया गया है, वो अपनी एक बात बोलती है कि भैया जो उसकी इच्छा है वो नहीं कर पा रही है। खैर यहीं रुकता हूं, वरना यार स्पॉइलर चला जाएगा। यार मैं सच कहूं ना यार, देखो कहने का तो बहुत कुछ है इस मूवी के बारे में, बताने को बहुत कुछ है, हर एक करेक्टर, जो भी दो मेन करेक्टर है इनके बारे में बात करने को, और स्पेशली जोसे का जो करेक्टर है उसके बारे में बात करने को। जिस तरीके से इसने अपने आप को संभाला है, हैंडल किया है, मोटिवेट किया है अपने सपने को पूरा करने के लिए, आगे आई है, तो बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने को। लेकिन क्या है ना कि यार रिव्यू है, रिव्यू के अंदर वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली मैं ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग जाके मूवी देखें। ओवरऑल अगर इस मूवी, इस पूरी वीडियो का अगर आपको समरी दूं, तो इस मूवी के अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलेगी, इमोशनल भी कर देती है, लाइफ का एक लेसन भी सिखा देती है, और एक सुंदर सी कहानी जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखती है। एनिमेशन की बात करूं तो इस मूवी के अंदर आपको एनिमेशन बहुत सुंदर देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यार यहाँ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया एनिमेशन है। डिफरेंट टाइप की एक लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी,
जो सच में बहुत प्यारी लव स्टोरी है। मेरी तरफ से इस एनिमे मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये एनिमे मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाकर अभी देखिए, बहुत प्यारी स्टोरी है। और इसके अंदर कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, कोई भी गाली गलौज नहीं है, बहुत सुंदर साफ सुथरी जैसे कहते हैं ना वो वाली एक मूवी है। तो आप इसे डेफिनेटली जाकर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।